मंत्री मर गौरा। अच्छा हाँ। मंत्री पद मिले और मिलता ही मंत्री हाँ। असि बीजेपी ने आ ओ कांग्रेस दी साडा कोई काम नहीं करया गांव के अंदर कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं करया दसो नु ओ कहदा मेनू दसो काम मैं करवाऊंगा मेरे कोई तो हो सरकार नु ऑर्डर देता भी इसका काम क्यों गलत हो रहा कैसे ये गल हो रही है इसका काम होना चाहिए नहीं जी नहीं नहीं ओ ने तेरा काम नहीं जो मर्जी करे तेरे फिर हां ओ कोई गल नहीं ओनु तो जो कोई मांग मंगेगा तो पूरी करेगा जो कोई मांग मंगेगा और पूरी करने की मांग राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और सबने पता है कि भाई श्री गंगानगर के अंदर ही श्री करणपुर जो विधानसभा क्षेत्र है भी के अंदर उपचुनाव के अंदर में आया है और भाई बात करें तो बीजेपी का जो प्रत्याशी ही सुरेंद्र पाल सिंह टीडीसी तो बनकर गांव के अंदर में आया है गुलाबी वाला 52 जी गुलाबी वाला तो कोई बुजुर्ग आदमी हो तो बनकर नाम पर पड़े हुए क्योंकि अड़े काफी सारा लोग अब आग जला रखी बैठे है तो मैं सोचे भाई सबसे पहले तो अणु यहाँ पर बातचीत कर लिया और गाँव का लोग कितना बनकर साथ में ही। हाँ जी नमस्कार जी खड़े हूँ आप अड्या का जो सुरेंद्र पाल सिंह जी ही बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव ही तो चुनाव को कसोक माहौल चल रहे हो था रेडी गांव में भाई यहाँ से जेंट्स से पूछो मैं तभी से आई हूँ बीकानेर से बीकानेर से तो थारो अड़े की है अड़े मार पीर है पीर है तो पीर है तो थार मम्मी पापा और बकिन देवी वोट अब सरकार बनेगी बीजेपी की बठी जासी है ये भाई कोई गाँव को छोड़ कर पीछे थोड़ी जाएंगे तो अब उम्मीद तो यही रखते है की जो युवा बेरोजगार है उनको कुछ रोजगार दे उम्मीद रखते है गाँव का कोई विकास करे गाँव में क्या क्या समस्या है की बैठे था रही जा पी रहो जना थाने सामनो करनो पड़े एक तो जहाँ पदमपुर जो रोड आ रही है मनके गांव के अंदर तो इतनी भयंकर तरीका टूटी फूटी है बहुत ज्यादा खराब है और जेंट्स को पूछो धन्यवाद जी आंटी जी मैं तारो पिंडो छोड़ दूंगी कड़े जा रहे हो पहले तो मैं बताऊ जाओ इस सर्दी में क्यों बड़े के लिए मंत्री मर गौरा। अच्छा हाँ। मंत्री पद मिले और मिलता ही मंत्री हाँ। पद मिलियो कोई पहला बिल्कुल भाई पहले हाँ? भी भरी है हाँ। तो वोट किन देगा वोट पूरा गांव कितने लोग साथ में थारे हमारे साथ में सगले गांव सगलो ही साथ में हाँ, तो महिला सारी टीटी सामने दिंगी किन दिंगे टीटी साहब ने दिया महिला अच्छा अच्छा तो अगर वह जीत लड़ो चाहे बढ़ो कुछ भी करो वोट टीटी साहब ने दिया अगर वे जीत जाए ही हाँ? तो बाद में गांव में क्या क्या काम करवाओगा थे काम पहली बात हमारे गांव धर्मशाला बनवावा अच्छा दूसरा नंबर हमारे गांव सड़क ले आवा हमारे घर सड़क को पानी में डूबा अच्छा हाँ? और तीसरा काम है हमारे बच्चा नौकरी लगवाना है अच्छा पढ़िया लिखा बच्चा है बिल्कुल हाँ? चुनाव को क्या माहौल चल रहे है बहुत बढ़िया जी तो वोट किन दे रहे हो टीटी साहब टीटी साहब गांव में काम करवायो कौन करवायो पहले भी मंत्री जिन्ना कौन कराउंदी रहंदी अच्छा जी तो होतो रहे तो करा तो रही बाकी सारे जेडे काम रहंदे होंगे करा दूंगा और करा दीगा हां हां जी तो टीटी साहब गांव के अंदर जे आप बातचीत करा तो कोई भी दुख दुविधा या कोई भी की बात हुआ है तुम हुआ है आप श्री मियां कोई गरीब परिवार है तो बनका कितरों के सारो लावे ही बहुत ला रहे बहुत ऐसे है जी टीटी साहब का बहुत फायदा थानू साडे पिंड का साहब है कई बंद तंग भी है गलियां बनो और पाइप कनियो टीटी साहब ने पुआ दी अभी पुआएगा तो कोई भी परिवार है कोरोना काल के अंदर आप बात करा लंबी बीमारी आई ही भी के अंदर टीटी साहब कितना के लोगों को सारे लाए हो बहुत सारा लाए बहुत ज्यादा लाए बहुत ज्यादा मतलब भाई भी टाइम पर सब घर बैठे आ कमाई कुछ ठीक होना तो भी टाइम पर राशन वगैरह कुछ दियो हाँ जी आ रहा तो वोट किन जाओगे वोट टीटी साहब ने देंगे टीटी साहब जीत के आ जाए तो भी के बाद में के काम करवाना गाँव में उसके गाँव में पक्कियां सड़क बनवानी है ये बनवाने हैं अच्छा। और जिसका लोन नहीं आया वो दोना है और जेड़ा काम स्कूल का वो करोना है धर्मशाला का करोना है और जेड़े गरीब कानूनी से है किसी के पता नहीं बनया किसी के लाज नहीं होया उसनु दोना है 5 साल के अंदर कांग्रेस को जा राज हो तो कुछ नहीं दिया सारे से जेड़ा साडा सीगा अस्पताल अपना यार कान यार चैत कर उसने मीटिंग नहीं करी एक भी नहीं करी हाँ जी नहीं की हड्डी बहादरी है सरपंच नहीं असि बीजेपी ने कांग्रेस की साडा कोई काम नहीं करया गांव के अंदर कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं करा जम्मा एक डक्की का भी नहीं कराया तो भाई देख सको हो कि इनके गांव के अंदर 5 साल के अंदर कुछ काम भी कोनी हां जी नमस्कार जी के लगा अंकल जी चुनाव को अबकी बार माहौल गांव में किस तरह माहौल बन रहा है भाई टीटी साहब को यो गांव है तो गांव में टीटी साहब पूरा गांव साथ है
अच्छा पूरा गांव कोई गरीब कोई अमीर कोई बात ना ले। तो और भी भाई महिला जा रही, रुको एक बार बातचीत करना पहले महिलाओं। टीटी साहब ने कहीं के सोच के वोट दे रहे हो? गांव रहा ही। अच्छा गांव का नहीं होता तो कौन देता है? देता है वोट लेकिन देता ही। अच्छा ठीक है। तो भाई बेचारा ही तो जाओ जाओ आंटी जी 15-20 किलो वजन ढोन लाग रहे हैं, तो अगर ज्यादा परेशान कौन करता। टीटी साहब जब भी थे जाओ हो कोई भी काम हुआ है गांव को कोई भी काम हुआ कोई भी समस्या हुआ तो टीटी साहब को के जवाब रहा हुआ बेटा इन पर माफी करवाऊंगा सारे काम जो जाके जो दस्ते वो सारे होंगे। अच्छा 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 गरीब लोग ही जो भाई बाको मतलब 200-300 रुपया उतना ही दिन का कमावे ही तो बन लोगा की सहायता टीटी साहब कभी करी ही कोनी करी भाई बाका गरीब बेटी की शादी करवाना या और करवाना है। और भी भाई गांव का काफी लोग ही अड़े मौजूद थे सारे काम होंदे जी सारे काम होंदे बिल्कुल जी जाओ दसो नु वो कहले मैं दसो काम मैं करवाऊंगा मेरे कोई तो आओ करे बैठा हूं मैं मेनू कुछ की काम है होड़ा मेरे को ले आओ मैं दसो उस टाइम ही गांव का ही तब थे बन वोट दे रहे हो या भाई एक भाईचारा खातर दे रहे हो या भाई काम खातर दे रहे नहीं काम पीछे खादा भाईचारा भी है और काम पीछे भी। अच्छा काम हथ करता जी बस सही असि किसी वोट पावे किसी करनी उस कोई भी काम वेली खाओ तो भी टाइम पर हाथों हाथ जी ओदी खड़े खड़े ओदी फोन कर दंदा साहब कितनी क्यों दूर का बोला ओदा सवा सवा साडी जावेंगे ने सवा सवा साडी सुनाई करेंगे नाल की नाल सरकार नु ऑर्डर देता भी इसका काम क्यों गलत हो रहा कैसे ये गल हो रही है इसका काम होना चाहिए और तो पंड मंगरी दवांगे टीटी नु पावांगे। अच्छा अगर टीटी साहब करने ते काम खातर जाओ तो तेरा काम होवी को नहीं होवी हुंदा जी टीटी साहब अभी तक गांव में काम करवाए ही काम करवाऊंगा अगर मैं जीत के आ जाए ही तो फिर के कुछ काम करवाना है थान साडे पिंड दा सारा करूंगा जी जेड़ा ही करा अभी सारो भी लेवी थारे सारा करदा जी काम करनी सानू जवाब नहीं आ रहा नेचर स्वभाव का कहे कहीं मैं कभी भी थे जाओ हो स्वभाव का कहीं एक तो नेता की नहीं आया नहीं 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 ओ नेते वाला काम नहीं जो मर्जी करे तुरे फिर ओ कोई गल नहीं उन सिंपल हां सिंपल ही बन जिथे मर्जी तुरे फिरदे ए नहीं है भी सानू आकू बाहर ना मतलब ही नहीं बिल्कुल आप ही चाह भी आप ही परसोई च पा के पी ली दी है ए नहीं है भी चाह बारे सानू आकू भी है नहीं गंदे एक कुछ करी जावे रोटी खाई जावे चाह पी जावे रोटी खाई जावे काफी महिलाएं तो सुबह भाई ना दो की कोई अपना काम करना जा रही है कोई कुछ करना जा रही है तो उन्होंने बातचीत है मैं जरूर करूंगा। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। चुनाव को गाँव के अंदर के कुछ माहौल है बहुत वधिया माहौल जी गांव के लोगों की विचारधारा है टीटी साहब ने लेके टीटा साहब जो गांव की विचारधारा जी टीटी साहब जीतेगा जीतेगा। हाँ जी देखो जीत हार तो लोगों के एक गांव ही डिसाइड कौन कर सकता लोग साथ देगा जब वो तो जीत हो पाओगे जीत हार को तो आवनान भी अभी कुछ कौन पता पर एक गांव को रवैयों का शौक है टीटी साहब के लिए कभी भी कोई काम हो तो टीटी साहब तारो पूरन काम करी को नहीं करी करता अच्छा। हाँ जी तो जो कोई मांग मांगेगा तो पूरी करेगा लेकिन वोट देगा मैं हम जी टीटी साहब को और आप हम भी टीटी साहब को देंगे वोट टीटी साहब के बारे सोचते हैं टीटी साहब काम करवाएंगे कौन करवाएंगे करवाएगा जी काम जो कोई मांग मांगेगा पूरी करने की मांग गांव के लिए वे के कुछ करे अपना भाई गांव में बजनम लियो हो गांव तो सारा कुछ ही कर दे साडे काम जेड़ा रहंदा कर दी है वोट किन दोगा वोट गुलाब कमल का फूल पे अच्छा तो के उम्मीद है कमल का फूल जीत लगे है अच्छा के सोच समझ के वोट दे रहे हो जाए भी ठीक है आरसीसी सड़क बना रखे गांव में बढ़िया थारो काम करवावी को नहीं करवावी टीटी साहब इंत करावे काम तो काम करवावी ही अच्छा अगर मैं जीत के आ जाए तो और उम्मीद करो हो काम की हॉस्पिटल हाँ। है हाँ। स्कूल हाँ। और भाई छोटी मोटी कोई आंगनवाड़ी भी है की हाँ, और कोई धर्मशाला वगैरह भिन्न है अच्छा 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 गाँव के अंदर रोड वगैरह ही ठीक ठाक अच्छा कुछ कुछ गलियां में रोड ही या कोनी ही सब में ही नहीं थोड़ी थोड़ी है मतलब कि अभी काम में जितना होना चाहिए उतना होयो कोनी काफी हो गया है थोड़ी लगातार वीडियो के माध्यमों से देखियो है कि श्री करणपुर के अंदर चुनाव ही और मैं भी जो बीजेपी का प्रत्याशी ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बनका गांव मामा यही गुलाबे वाला बावन जीजी के अंदर और भाई काफी लोग मन अठे मिला है बहु में बातचीत करी रही हो गांव है वो ज्यादा बड़ो गाँव कोनी है केवल ही गांव के अंदर मात्र ही 500-600 समथिंग घर होगा
और 350 के लगभग लोग कितना ही 450 का समथिंग इजा लोग ही और 350 के लगभग इजा वोटर ही। छोटो ही गांव है तो गांव के अंदर में आया है और भाई गांव का लोग बन के बारे में के कुछ सोची ही और के विचारधारा है गांव के अंदर वकी के काम करवायो हो बनने लेके आप बातचीत है बाकी। तो वीडियो शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट ही बस जरूर करियो। राम राम जी।